ब्रो भाई ब्रो आता सीओ भाई जान स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले पोकेमॉन सोर्स। तो अगर तुमको लास्ट एपिसोड में याद है हम एक्चुअली जीत गए थे राउंड 6 भाई एंड रिली के खिलाफ हमारा बैटल था, तो वो बहुत मज़ेदार बैटल था। फिलहाल हम जब जीत चुके तुमको जाना है मैपल टाउन में अभी आगे, जहाँ पे शायद से डैड हमारा इंतजार कर रहे हैं, डैड एंड ईवो। तो फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं पहले मैपल टाउन है कहाँ पे, क्योंकि मेरे को तो भाई पता है नहीं। तो आई थिंक वो फ़ोन में मेरा मैप रहता ना यहाँ पर, फ़ोन तो यहीं पे था भाई। ओके इसी में मेरे ख्याल से मैप होना चाहिए हमारा। तो लेट्स सी वर्ल्ड मैप, ऑफ कोर्स। अच्छा ये यहाँ पे मैपल टाउन, तो एक्चुअली ये गैलनॉर सिटी के बगल में है। तुमको यहाँ से मेट्रो लेके गैलनॉर जाना पड़ेगा। ओके यहाँ से हम लोग सीधा चल लेते हैं गैलनॉर सिटी। चल भाई हम पहुँच गए गैलनॉर में, और यहाँ से हम लोग को इस वाले डायरेक्शन में कोई रास्ता मिलेगा। लाइक दिखा तो रहा था इसी डायरेक्शन में, माइट बी यहाँ। ओके रूट 13 है यहाँ पे मोहतरमाएँ हैं जिनसे हमको बैटल अभी तो फिलहाल नहीं करना। वैसे तो मेरे को ट्रेनिंग के लिए बैटल करना पड़ेगा, फिलहाल मेरे ख्याल से वो पक्का ही ट्रेनर बैटल नहीं होगी। ये लड़कियाँ कुछ और करने के लिए आई होगी। ओके आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने देखा है एक पिंक काउ पोकेमॉन यहाँ पे। पिंक काउ मतलब मेल्टैंग यहाँ पे होगी माइट बी। ओके मेल्टैंग भैया यहाँ पे एक दादाजी हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, दादाजी आप बताओ इनके पास 9 tails है। ओके चलो 9 tails के लिए हम लोग कर लेते हैं और आज फेयर। अरे फ्लेम थ्रोअर मेरे पे सुपर इफेक्टिव है, मैं तो भूल गया था। अरे एक मोमेंट भाई मैं केयरलेसली सही में खेल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ठीक से खेलना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है हम लोग कर लेते हैं वाटर पल्स। ये मेरा फिमजर बात कब से मारने लग गया मेरे को खुद नहीं पता। ओके चलो ठीक है 2 बार वाटर पल्स किया, मतलब ये हमारा बात सुनने लग गया है आई थिंक सो। तो अभी टाइम आता है इसको निंजा में बनाने का, तो मेरे ख्याल से हमको अपना EXP सीरीज को दे देना चाहिए। फिलहाल कौन सा पोकेमॉन था मैंने देखा तो नहीं, तो मैं करंट को ला रहा हूँ। एंड चलो ये पार्टी पोकेमॉन है, अब फिलहाल के लिए मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज कर लेता हूँ। कन्फ्यूज हो जा भाई तू। ओके बहुत ही अच्छे, खुद को हर्ट कर ले तू। और फिलहाल मैं पॉइजन फैंक कर लूँ। चल बहुत ही अच्छे, पॉइजन भी हो गया क्या, नहीं। फिर हम लोग करते हैं विंग अटैक, फिर से हर्ट कर लिया खुद को। अरे बेचारा कन्फ्यूजन में ही मर गया। ओके चलो ठीक है। अरे वेलोरा यहाँ क्या कर रही है। ओके ओके वेट अ मिनट, पहले मेरे को EXP शेयर देने दो नहीं तो मैं फिर से भूल जाऊँगा। तो मैंने EXP शेयर एक्चुअली दिया था थनक को। थनक भाई तू 35 पे बहुत अच्छे पे है, तो हम तेरे से EXP शेयर टेक कर रहे हैं। और हम दे देते अपने फिमजर को। एक्चुअली इसके पास कोई सा आइटम है आई थिंक, मेरे को उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले गिव कर लेते हैं, आई थिंक वो अपने आप ही हट जाएगा ना, एक्सचेंज वाला कुछ लिख के आता है वहाँ पे। ओके हम लोग EXP शेयर इसको प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके पास मिथिक वाटर था, माइथिक वाटर जो भी उसको बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ से स्विच आउट कर लेते हैं। यस ऑफकोर्स माइथिक वाटर रखा गया, छोड़ रहने दो। फिलहाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं वेलोरा है कर क्या रही है। क्या वेलोरा मैपल टाउन टूर्नामेंट के बाद आई है। आई वंडर इफ एसर गॉट दो। अरे हम पीछे ही है तेरे। एक एसर, तुम तो तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। शैल वी गो टू मैपल टाउन देन। ही वेलोरा मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये ट्रूथ ये है कि मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ भाई। क्या ये ओके बट नॉट आउट हेयर इन द ओपन। भाई चलो ठीक है, हमको हमको झाड़ियों के पीछे ले जाया जा रहा है। ओके वेल वेल ओके दोनों हमने साथ में बोला। यू शुड गो फर्स्ट। वेल वी हैव बीन ट्रैवलिंग टुगेदर फॉर अ क्वाइट व्हाइल नाउ। भाई ये म्यूजिक में ऐसा सडन चेंज क्यों आया, थोड़ा अलग टाइप का म्यूजिक हो गया, थोड़ा रोमांटिक टाइप का। ओके एंड वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टू टुगेदर। I thought we knew everything about each other, but day by day I realized we still have a lot to learn about each other. Like, what do you like, or what do you do on normal days? I would like to know more about you, and I want you to get to know me better as well. I want to know what's going on with you with that girl. अरे कुछ नहीं चल रहा यार। ये वेलोरा अभी भी उस बात को लेके बैठी हुई है। ओके What's going on with you during all this? I want to stay close to you. ये रो क्यों रही है लड़की। ओके ओह आई सी, ये डरी हुई है थोड़ी कि ये मुझे खो ना दे, ठीक है। वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। रिमेंबर व्हाट डैड सेड एसर। अच्छा डैड क्या बोल रहे थे, कि उसके साथ चलो और उसके आंखों में देखो और माफ़ी मांग लो।
और कहो कि सब चीज़ सही है, ठीक है फिर हम यही करते हैं। इवन तो डैड टोल्ड मी व्हाट ही डिड, सीइंग हर इन टीयर्स टेलिंग मी सच थिंग्स मेक मी पैनिक सो मच आई फॉरगॉट ऑल हिज वर्ड्स। अरे शिट, मैं भूल गया कि क्या क्या वो बोल रहे थे। इसके आंखों में आंसू देख के आई हग्ड हर एंड टोल्ड हर व्हाट केम आउट ऑफ माई माउथ। चलो ठीक है, जो मेरे मुंह से निकला मैंने बोल दिया बस, यू डोंट नीड टू वरी, सब कुछ सही है बिल्कुल, एंड मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमको पागल कर दिया। यू आर नॉट गोना लूज मी एंड आई एम नॉट गोना लीव यू बिहाइंड, आई विल बी मोर ओपन अप टू यू फ्रॉम नाउ ऑन। यू रिमेंबर व्हाट यू सेड बैक इन द सोवियत सिटी राइट, यू वॉन्ट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। यप ऑफ कोर्स, ये हमारा एसर तो बहुत बहुत खतरनाक निकला यार। ओके सो लेट मी हेल्प यू गाइड यू टूवर्ड्स योर गोल। ऑल राइट, क्या बोल रही है लड़की, आई मीन ऑल राइट, दैट्स द स्पिरिट, कम ऑन। चलो हम लोग चलते हैं और डैड और ईवो से मिलते हैं मैपल टाउन में। वेल लेट सी बॉयज। क्या मेरा हार्ट इतना तेज क्यों धड़क रहा है? So, let me help you guide you towards your goal? Those words, पता नहीं वो मुझे क्यों खुश कर रहे हैं। I guess I was worried for nothing, that girl has no connection to him. अरे बिल्कुल नहीं है। Thank you, Asir, for being honest with me and comforting me. मैं तुमको बिल्कुल भी disappoint नहीं करूँगी, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। अरे ठीक है ठीक है। इसकी स्टोरी यार काफ़ी अच्छी है। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे बैटल्स है काफ़ी सारे, तो आई होप मैं जल्दी से थोड़े मोरे बैटल्स कर लूँ जल्दी जल्दी। ओके बॉयज, तो मैंने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है, यहाँ पे मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है। तो पहले इस घर में चल के चेकआउट करते हैं, क्योंकि हम इस घर में तो गए ही नहीं भाई। ये है ईज हाउस। ओके लेट्स सी ई यहाँ कर क्या रहा है, ई यहाँ कर क्या रहा है। वेट व्हाट, ये तो खाली है। ओके आई थिंक जो फार्मिंग करता होगा ना यहाँ पे उसी का घर होगा वो, मेरे को नहीं लग रहा था यह खाली होगा। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इधर से चल के देखते हैं। यहाँ पे एक अंकल जी, इनको मैंने हरा दिया था मेरे को याद है, और यहाँ पे एक पोशन टाइप का हाइपर पोशन है यहाँ पे, चलो बहुत ही अच्छी। और आगे हम लोग चलते हैं। चलो भाई एक पोकेमन हमको मिला एंड दिस इज राइहोन। राइहोन से याद आया यार तुम्हें, लेट्स गो पिकाचू में कमेंट किया था भाई कि वहाँ पे राइपीरियर नहीं बन सकता, लाइक सीरियसली मेरे को राइपीरियर काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा वहाँ भी एक पोकेबल है, वेट मैं वो भी ले लेता हूँ। ओके भाई तू अभी यहीं पे रह। यहाँ पे हमको निस्ट बॉल मिला, निस्ट बॉल भी अच्छा है यार, लाइक निस्ट बॉल बग पोकेमोन को करने के लिए यूज़ होता है ना शायद से, उसका डिज़ाइन देख कर तो मेरे को वही लग रहा था, एंड नेट नेस्ट बॉल है तो मेरे को नाम से वही लग रहा। ओके चलो ठीक है, फ्लफी भैया हम लोग आगे चलते हैं। मैंने इन सबको हरा दिया है, तो रास्ता भाई कहाँ था, इधर से माइट भी, इन मोहतरमा को मैंने नहीं हराया। ओके चलो भाई इसको भी हरा लेते जल्दी से, एक ही पोकेमोन इसके पास, मैं गई नहीं है, हम लोग चेंज कर लेते भाई, मेरे सारे पोकेमोन तो फेंटेड ही है लगभग। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से मेरे को क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे ठनक तो ज़्यादा कुछ काम करेगा नहीं, मेरे को स्वैगर पहले करना चाहिए, मैजिकल लीप। सॉरी भाई साहब, दैट वॉज क्रिटिकल हिट, तब इतना कम का डैमेज पर रहा। तो हम लोग बाइट कर लेते हैं, आई थिंक बाइट कर करके हम उसको अभी तो नहीं हरा पाएंगे भाई। एक बार मैं एक पोशन यूज़ कर लूँ अपने कर्न पे एक्चुअली, तब मैं जल्दी से उसको हरा पाऊँगा। मैं सुपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ कर्न पे। चल भाई सुपर पोशन मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा उसके लिए। ओके अभी फ़िलहाल के लिए कर्न आ जाओ, कर्ण भाई तू कर दे विंग अटैक। अरे नहीं हारा वो। ओके नेवर माइंड, मैं पॉइजन फैंक करता हूँ, अब तो ये हारना ही है इसको। 38 लेवल पे कर्ण पहुँच चुका है भैया। ओके इन मोहतरमा को तो साइड होने दो। आगे साइड वहाँ पे एक आइटम है ना, लेट्स सी इसमें क्या है एक्चुअली, लीफ स्टोन। ओके ओके इधर नहीं जा सकते हम, लीफ स्टोन भाई काफ़ी अच्छा है। मेरे पास कोई ग्रास ठीक तो नहीं है जो मैं इवॉल्व कराऊँ। अरे यहाँ पे ईवो डैड सामने में ही है। ओके लेट्स सी, द कंट्री साइड, हैवंट बीन हियर एवर सिंस माय एग्जाम्स फॉर बायोलॉजी इन द कॉलेज। यस मुझको याद है जब तुम मुझे पूरे रास्ते ड्राइव करके यहाँ पे लाती थी, जस्ट सो यू वांट कलेक्ट मटेरियल्स अबाउट पोकेमोन ऑल अलोन। ए डैड आई वो, चलो ठीक है हम आ चुके हैं। एसर वेलोरा फाइनली, हाउ डिड इट गो? ओह आई डोंट इवन नीड टू आस्क यू, तुम दोनों ऑब्वियसली सब कुछ सही कर दिए होगे। इट ऑल्सो सीम्स लाइक यू टू फाइनली मेड अप, आई एम ग्लैड टू सी डैट। ये सो अब दोनों अरुणी टाउन में और क्या ढूंढ पाए? द थिंग इज, वेयर एवर इट इज, इट्स अंडर वाटर,
Without proper clue, scanning through the sea bottom would take forever and ever longer. We will need time or some specifying clues. Yes, sir. Look behind Evo. क्या है Evo के पीछे? And अरे Firo, ये हमारी बातें सुन रहा छिप के? I don't know. Underwater location? नहीं. They can't talk about that damn place. Why do I ever care? I always bump into these idiots and struggle disparate me quieting. I should just keep going. Soon I will be home. Dan, did I just make eye contact with Bluey? Whatever, I just ignored them. चलो ठीक है भाई, ये हम मतलब माइट भी हो सकता है कि ये इसी तरह यहाँ पे आ गया हो एंड हमारी बात सुनने लगा हो. ओके We wanna help finding clues too. We will investigate around a bit with Asa. बहुत अच्छा आइडिया है एक्चुअली. चलो फिर चलते हैं हम उसके साथ. He might know something we don't seems to leave the town. Okay. फिलहाल हम वहाँ पे तो जाएंगे लेकिन पहले हम पोकमन हील करा लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को याद है मैं अरुणी में इसी तरह भाग गया था, मेरे पोकमन थोड़े से भी हील नहीं थे. एंड थैंक यू वेरी मच नर्ज आपका. फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं. तो मेरे ख्याल से पहले हमको इस टाउन को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए थोड़ा सा. अच्छा यहाँ पे एक क्वेस्ट वाला बंदा है, ये बैरी यहाँ क्या कर रहा है? ओह हे सर, आई एम ब्लेंडिंग इन सो वेल, डोंट आई. Anyways, I will march through the bushes and what not to find all kind of rare Pokemons. I found 3 rare ones, so I register their data. However, my Pokédex is still pretty empty. Oh, I know. Why don't we make a little exchange? Wait, what will be that exchange? I don't know. Okay, हमने quest accept कर लिया. That's the spirit. क्या तुम मुझे दिखा सकते हो तुम्हारा Pokédex 275 स्पीशीज से रजिस्टर्ड किया हुआ? भाई 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 ये क्या कह रहा है भाई. मैं सही में ये ऑनगोइंग क्वेस्ट नहीं है ना, मेरे को बाद में आके कहीं इसको फिर बंद ना करना पड़े. एक मिनट, अगर बंद करने वाला हुआ तो ये भी बोलेगा दैट्स द स्पिरिट. नहीं ये नहीं बोल रहा एक्चुअली, वो बोल नहीं रहा तो माइट भी ये ऑनगोइंग क्वेस्ट है, मतलब हमको इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है. इधर साइड कुछ नहीं, वहाँ पे एक घर है. माइट भी वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर हो. एक बार हम लोग चल के देखते हैं यहाँ पे. अंकल जी बताओ. नहीं यहाँ पे चेंसी क्या कर रही है? चेंसे अपना एक देना चाहती हो तुम? नहीं. ओके चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ से. कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अंकल जी वहाँ पे घूम रहे हैं. और इधर साइड हम लोग चल के देखते हैं. अंकल जी बताओ क्या हाल चाल चल रहा है आपका? ओनली द बेस्ट ऑफ क्वालिटी हेयर वन इट कम्स टू द क्रॉप्स. अच्छा क्रॉप में बेस्ट क्वालिटी. मैपल टाउन प्रोवाइड्स अ ह्यूज पोर्शन ऑफ यूपिल्ड फूड सप्लाइज. चलो ठीक है भाई, यहाँ पे खेती बाड़ी तो इतना है मेरे को देख के लग रहा है वैसा ही. और मोहतरमा अरे ऐसे ही मुंह मत मोरो यार. भाई बोलो. अरे मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ? वेट व्हाट, ये सही में चाहती नहीं मुझसे बात करना कि कहीं ये बलौरा का सर तो नहीं है? चलो ठीक है, जब ये नहीं चाहती तो मैं क्या ही कर सकता हूँ. ओके फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं. और तुम बताओ. That calming countryside life. हाँ ये बहुत अच्छा है. शहर में तो उतना पॉल्यूशन शोर वगैरह होता है बट गाँव में कितना मज़ा भी आता है. लेकिन हाँ हम हमेशा वहीं तो नहीं रह सकते यार, हमको अपने स्टडी वगैरह कंप्लीट करना पड़ता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है. और आप लोग का कैसा दिन चल रहा है आप बताओ अंकल जी? यहाँ पे लगता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं, तो फिलहाल मेरे को Firo की तरफ चलना चाहिए. आई थिंक वो Firo इधर साइड गया था रूट 8 पे. माइट भी पता नहीं बीच रूट में मिलेगा कि कोई टाउन है. ओके अंकल जी आप बताओ यहाँ क्या चल रहा है हालचाल पोकेमॉन्स के साथ? अरे जिराफ़ रे. ओके ये अंकल जी कुछ ज़्यादा ही घुमा रहे हैं. डिड यू नो मैपल एंड मलबेरी यूज टू बी वन लार्जर टाउन बट ओवर टाइम दे वेयर सेपरेटेड एंड गेट स्पिल्ट इनटू टू स्मॉलर विलेजेस रनिंग ऑन देयर ओन. ओके ऐसा होता है काफ़ी बार. चलो ठीक है भाई एग्जीक्यूट है यहाँ पे. मैं यहाँ पे अभी रीपल यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़े अच्छे अच्छे पोकेमॉन मिलेंगे. पिछला जो रूट था ना उसमें तुमको साइथर भी देखने को मिल रहा था, तो भी एक अच्छा चीज़ है. अरे भाई मैं लिटरली सोचा नहीं कि वो काउंटर कर देगा यार, सीरियसली. ओके फिमजर तो जीता दिया हमको. 36 आई थिंक ये अभी इवॉल्व होने वाला है ना. अच्छा लेरियन के लिए तो मेरे ख्याल से एक वाटर पल्स काफ़ी रहेगा. नहीं अरे रॉक स्लाइड. हाई डैमेज देखो ना इनका, मेरे को थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा यार. एंड यहाँ पे हमारा फिमजार, ऐसे जार नहीं है ये जूनियर है, बट मेरे को इसको जार पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जो भी तुम समझो, इसलिए मैं फिमजार इसको पढ़ता हूँ.
फिलहाल ये इसका नाम जो मतलब मैंने रखा नहीं है, इसका ओनर ने इसका नाम रखा था जिससे मैंने ट्रेड किया था, तो वो था फीम जूनियर। जो भी है भाई, ये हमारा फेमसर रिवॉल्व हो चुका है एंड ग्रीन निंजा बन चुका है, यू नो अभी मज़ा आएगा ना बेड़ो। ओके हम लोग फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक मोहतरमा है, ये पक्का बैटल करेगी, मेरे को पता है बैटल तो ऐसे इसके होने वाले हैं नहीं। हैकुमु, ये आई थिंक एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है ना, मेरे को चेंज नहीं करना चाहिए माइट भी। अगर ना यूज ऑरा स्फीयर, अरे वर्ल्ड वर्ल्ड क्या था वो, ओके वॉकअप, चल ऑरा स्फीयर उस पर यूज़ नहीं कर सकते हम। अरे ये इलेक्ट्रिक टाइप है ना, मैं ग्राउंड टाइप ले आता हूँ। ये इलेक्ट्रिक टाइप ही था ना, मैं भूल गया यार सही में। ओके हम सैंडस्टॉर्म करते, नहीं इफेक्टिव नहीं है तो इलेक्ट्रिक टाइप नहीं है, या फिर माइट भी ये डुअल टाइपिंग है इसकी, ड्रैगन टाइप था ये। यप, मेरे को अभी याद आया कि ये भी ड्रैगन टाइप था, मैं ड्रैगन के खिलाफ ड्रैगन ला रहा था। बुलडोज सीखना चाहता हूँ, वेट व्हाट, बुलडोज एक काफ़ी अच्छा अटैक है जो कि एक ग्राउंड टाइप अटैक है, बट मैं किसको हटाऊँ यार, मेरे को नहीं लग रहा मैं किसी को हटा पाऊँगा। बट बुलडोज काफ़ी अच्छा अटैक है, आई नो, आई शुड स्टॉप इट मैन, मेरे को बहुत माफ़ कर देना। एक और मूव है जो मैं इसको सिखाना है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता इसलिए। चलो भाई ठनक भैया आ जाओ, तू स्पार्क कर दे भाई, एक मूव में तो अच्छा पैरालाइज हो गया, बहुत ही अच्छे भाई। एक और, अरे हारा नहीं अभी तक ये, यल्ला फिर से। चलो भाई ठनक भी, ठनक का लेवल अप। मेरे को भाई फिर से वो EXP शेयर हटाना पड़ेगा यार, यहाँ पे हमारा मेडिचैम्प, हमारा क्या बोलो उसको, मैं रामदेव बाबा मैं भूल गया था उनका नाम। ओके खुद को हाइट कर ले भाई, उसका डैमेज देख रहे हो तुम, सीरियसली तुम उनका डैमेज देखो खुद पे, फिर से मार ले खुद को। नहीं हाई जंप, मेरे को लग तो रहा था यही होने वाला है गड़बड़ चीज़। ओके मेरे ख्याल से हमको कर्ण को लाना चाहिए, कर्ण एक विंग अटैक कर दे भाई, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा पोकेमॉन आने वाला है, एंड दैट इज इन्फोर्निप। इन्फोर्निप के लिए भाई मेरा फिमजर काफ़ी रहेगा, उसका HP भी तो कम ही है। वाटर पल्स कर दे भाई, फ्लेम व्हील, अरे शिट, ओके कोई बात नहीं, ये ला, चलो ये तो गया इन्फोर्निप एंड हम लोग जीत चुके हैं बॉयज। यहाँ पे आगे हम लोग चल के देखते हैं, यहाँ पे और भी ट्रेनर्स मेरे को लग रहे हैं, तो मैं एक बार पहले जल्दी से पोकेमॉन हील कर लूँ। चलो ठीक है भाई, मैंने पोकेमॉन भगाओ यंत्र अपना यूज़ कर लिया है, यस हमने सुपर रिपल यूज़ कर लिया है, तो फिलहाल के लिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जस्मिस वाले अंकल जी लड़ेंगे, अंकल जी के पास एक ही पोकेमॉन है तो दिक्कत नहीं है। हीटमोर भाई, एक फायर टिप मेरे को लग रहा है, हम लोग फिमसार को ले आते हैं भाई। ओके हम लोग कर लेते वाटर पल्स एंड, अरे बच गया थोड़ा सा बग बाइट भाई, बग बाइट इसके खिलाफ सुपर इफेक्टिव है क्योंकि यू नो ग्रेनिंजा एक वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है। ओके चलो भाई हम जीत चुके हैं, हम आगे चलते हैं फिलहाल के लिए। वहाँ पे एक अंकल जी हैं सीधे में, यहाँ पे एक पोकेबल है, चलो भाई तोड़ लिया जाए इसको। हमको मिला है अर्थक्विक, अरे भाई साहब अर्थक्विक एक अच्छा मूव है। एक मिनट मैं सोच रहा हूँ मैं अर्थक्विक किसी को सिखाऊँ, ऐसे आई डोंट नो मेरे पोकेमॉन सीखेंगे कि नहीं, मतलब सीख तो वो लेंगे ही, बट किसको मैं सिखाऊँ वो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि वो ना इसको अपने रंच को सिखाया जाए, वैसे वीनसोर भी सीख सकता है। अरे मैं वीनसोर को पहले सिखाना चाहूँगा क्योंकि वीनसोर एक ग्रास टाइप है ना, मैं किसको हटाऊँ फिर ये कन्फ्यूज़न रहेगी। सो आई गन रिमूव पॉइजन पाउडर, एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरे को वीनासोर को एक ग्रास टाइप की तरह यूज़ करना चाहिए क्योंकि पॉइजन के लिए मेरे पास कर्ण पहले से ही है। ओके पहले यहाँ पे हम लोग सैंड टॉम को हटा देते, 35 ही इसका डैमेज है, तो ये ऑफकोर्स अर्थक्विक हमने इसको सिखा दिया अपने क्रंच को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल एक अंकल जी आगे में, ओके अंकल जी आप बताओ फिर से आप बैटल ही करोगे। हम लोग फिलहाल के लिए कर लेते लेजर लीफ, अरे सुपर इफेक्टिव था कॉस्मिक, और अच्छा इससे एज डिफेंस वगैरह बढ़ता है, ये अच्छी चीज़ है। मॉर्निंग सन, चलो कोई बात नहीं हम अर्थक्विक करके देखते हैं। अरे उसके पास लेविटेट है, अरे भाई साहब मॉर्निंग सन, अच्छा वो साइकिक टाइप है ना, तो डार्क टाइप के खिलाफ तो और दिक्कत नहीं होगी हमको। फिलहाल हम वाटर पल्स कर लेते हैं, अरे भाई उसने अपना एज डिफेंस काफ़ी अच्छा बढ़ा लिया यार। चलो ठीक है हम जीत चुके हैं वॉइस। नेक्स्ट बुक में इसका लूनिटॉन है, लूनिटॉन भाई इसको भी हम तुरंत में हरा देते हैं एक मूव करके। एक मुंह में नहीं आ रहा यार, कॉस्मिक पावर सबको सिखाए हुए है। चलो थोड़ा सा बच गया यार, ओके हम जीत चुके हैं। यहाँ पे लूनिटॉन भी हट चुका है, तो हम लोग आगे चल के देखते हैं भाई। यहाँ से हमको किधर जाना पड़ेगा, माइट बी नीचे इधर एक पोकेबल है, TM11 हमको मिला इधर साइड, उधर साइड तो हम नीचे ही गिर जाएंगे। इधर अंकल जी है एक गुड्ढे वाले अंकल जी, इनके पास 3 पोकेमॉन्स हैं। मेरे ख्याल से मेरे को ठनक पहले लाना चाहिए, ठनक आ जा भाई। ओके ड्रैगन टाइप मूव इसने किया था, ट्विस्टर एक ड्रैगन टाइप मूव है लेकिन उसका डैमेज काफ़ी कम है। ओके भाई 2 स्पार्क एंड ये खत्म। नेक्स्ट पोकेमॉन फिमजर 39 पे पहुंच गया यार, मेरे को सीरियसली अभी उससे वो EXP शेयर लेना पड़ेगा। टायरन फ्लेम के लिए मैं भाई फिर से कर रहा हूँ वेट वॉट, देखी दी हुई कौन सा पोकेमॉन है, आई थिंक वो ग्रास एंड फ्लाइंग है ना शायद से। ओके मैं कर्ण को ला रहा हूँ, अगर ये ग्रास एंड फ्लाइंग है या ऑफकोर्स
फाइटिंग तो नहीं है, नहीं फ्लाइंग ही है। मैं पॉइजन टाइप अटैक करूँ, ये तो इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो पॉइजन हो चुका है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तुम कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं इसको, बेचारा पॉइजन भी है एंड कन्फ्यूज़ भी है, खुद पे ही अटैक कर रहा है। तुम लोग अटैक करते हैं, ओके ये ख़त्म। ये साथ से फाइटिंग ही था ना, ओके जो भी है भाई हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा इधर से तो मैं आया ही था, मैं किधर जा रहा हूँ, आई थिंक हम पहुँच गए ना नेक्स्ट टाउन में। एंड ये रहा मलबेरी टाउन, तो एक बार मैं पोकेमन पहले हील करा लूँ, आई डोंट नो यहाँ से कहाँ जाना होगा हमको। लेकिन ये टाउन मेरे को बहुत छोटा लग रहा है, लाइक मलबेरी टाउन एंड मैपल टाउन दोनों जुड़े हुए रहेंगे, तो रूट तुम देख सकते हो कितना छोटा होगा। ओके मैं श्योर हूँ कि फिरो यहाँ पे आया होगा ज़रूर इसी रास्ते से। वो इस छोटे से टाउन में क्या करेगा दो? आई डोंट नो फिरो भाई यहीं पे है, मैं सही सोच रहा था। नहीं उसने मुझे नोटिस कर लिया, क्यों वे लोग मुझको फॉलो कर रहे थे। हे फिरो तुमको हमने बहुत दिन से नहीं देखा था, कैसा चल रहा है सब कुछ? आई कुड आस्क द सेम, वट आर यू डूइंग हेयर? आई एम हेयर फॉर पर्सनल बिजनेस, सो इफ यू डोंट माइंड। वेट हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओके दे एक्सप्लेन द सिचुएशन टू फिरो, सरप्राइजिंगली ही लिसन बट हिज फेस वॉज कवर्ड इन टेरर। अरे भाई साहब समथिंग दे वरंट यूज टू। ओके अंडर वाटर लोकेशन सिरा सम जेम्स, यस वी आर वॉन्डरिंग इफ यू कुड टेल अस सम क्लूज सिंस यू नो। आई डोंट नो वेयर इट इज एग्जैक्टली बट वाई शुड आई टेल यू? फिरो प्लीज वी डोंट आस्क यू टू कम एंड हेल्प अस, वी जस्ट नीड सम इंफॉर्मेशन वी कैन ओनली गेट फ्रॉम यू। ओके आई थिंक हम कुछ हुआ, हमको एक मैसेज मिला है बैटल सेंटर की तरफ से। डियर कंटेस्टेंट द सेवंथ राउंड ऑफ द इक्लिप्स टूर्नामेंट इज अबाउट टू स्टार्ट। भाई ओके ओके आई थिंक मैं आज नहीं लड़ने वाला, मेरे को थोड़ा वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लास्ट बैटल में याद है उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस की नहीं है, मतलब ट्रेनिंग नहीं किया है, तो यार मेरे को थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ए सर लेट्स हैव अनदर लिटिल गेम, इफ यू मैनेज टू गेट टू द राउंड आई विल गिव यू टू द इंफॉर्मेशन यू नीड, so make sure to win. Besides, I didn't change my mind about battling you in the finals. Oh well, the fastest way to get back to Amor is by taking the matter from the Galnor. Going through Route 9 might be better than where you came from. Good luck, Asir. Okay, मतलब हमको रूट नाइन ट्रेवल करके जाना है अमोर सिटी में, तो हम लोग पहले चलते हैं वहाँ पे। मैं समझ चुका हूँ इस वीडियो को, चलो ठीक है वेलोरा, हम लोग फिलहाल अपने मिशन को एक बार रखते हुए चलते वहाँ पे। एक बार मैं पहले इस सिटी को एक्सप्लोर कर लूँ, नहीं मेरे को रिपल यूज़ नहीं करना, इस टाउन को हम लोग थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ऊपर चल के देखते हैं क्योंकि हम तो बेशरम है किसी के घर में कोई आइटम पड़ा हुआ होगा वो भी हम ले लेंगे। इक्लाइट सार्ड इसी तरह कैसे मिलता है यार? अच्छा हाँ ये फिरो का घर हो सकता है माइट बी, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एक लाइट शार्ड मिला। एक मिनट में इस बोर्ड में पढ़ूँ यहाँ पे ये घर किसका है एक्चुअली। ओके वो सेल है, अच्छा बेचने के लिए ना, ये नंबर क्या है कॉल करके तुम देखना भाई अदर कंट्री का मेरे को नंबर लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ भाई वो गलत नंबर है। चलो ठीक है भाई तू बता। हेलो देयर डू यू हैपन टू हैव अ लैरियन? नहीं भाई मेरे पास नहीं है यार, राइहोन के साथ तू ट्रेड करना चाहता है? लैरियन मेरे पास नहीं है, वो आगन का शायद से पिछला स्टेज है ना, नहीं आगन का आयरन का नेक्स्ट स्टेज है आयरन का, भाई मेरे को नहीं पता मैं भूल गया उसका नाम, मैं उसका नाम मैं ऐसे ही कंफ्यूज रहता हूँ। ओके फिलहाल यहाँ पे बैटल करने वाले अंकल जी हैं थोड़े से, तुम थोड़े से स्कीप करते हुए चलते हैं, वैसे वो लग नहीं रहते बैटल करने वाले, माइट भी उनको कुछ दे, नहीं ये तो सिर्फ हमको बातें बताएंगे। हम लोग इधर से चलते हैं बॉइस वहाँ पे, चलो ग्रेवलर है 28 लेवल का, मेरे को भाई कुछ नहीं करना बैटल अभी फिलहाल के लिए, हमको जाना है यहाँ से। तुमको मिला मैक्स पोशन बहुत ही अच्छी, इस घास में कुछ हमको मिलने वाला है मेरे ख्याल से। अरे रुक जा वेग्रोथ स्लैकिंग इसका नेक्स्ट स्टेज है ना, वो भी अच्छा खासा स्ट्रांग है भाई, इस घास में कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अंकल जी उधर साइड देख रहे हैं, आई थिंक वो उधर ही साइड देखेंगे माइट बी। ओके मेरे को उनको हराना तो पड़ेगा ही अगर मेरे को पास करना है, पहले तो ये लेते हैं नगेट। ओके हम लोग पास करते हैं यहाँ से, अंकल जी हमको जाने नहीं देंगे मेरे को लग तो रहा था, इनके पास सगुन है तो पहले हम एक सुला देते हैं, बहुत ही अच्छे अंकल जी। और अभी मेरे पास अर्थक्वेक है तो मैं करता हूँ, आई थिंक ये सुपर इफेक्टिव है इस पर। अरे भाई साहब एक और एंड है अभी वो मैन, हम जीत चुके हैं, चलो अच्छा है। मैं पहले तो 5000 से वो EXP शेयर लूँ यार, नहीं तो वो 45 लेवल तक पहुँच जाएगा, अदर के लेवल बढ़ेंगे नहीं। ओके पहले तो मैं यहाँ पे आइटम में जाके
टेक कर लो एक्चुअली ना, पहले टेक करना पड़ेगा मुझको, फिर उसको मैं उसका आइटम वापस से गिव कर देता हूँ। एंड उसका आइटम कुछ माइटिक वाटर था ना, शायद से इसी में होना चाहिए माइटिक वाटर। अरे ऊपर चला गया, यस ऑफ कोर्स ये रहा, ये हम इसको गिव कर देते हैं। और इधर साइड से हम लोग EXP से इसको प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि सबसे कम इसी का लेवल है। भाई मेरा लुकारियो का लेवल 36 ही है, मेरा फर्स्ट पोकेमन का, वेट व्हाट हो गया। मैं पहले तो इसको ये आइटम दे दूँ। अरे थानक पहले से ही आइटम होल्ड किए हुए है, अच्छा नहीं किए हुए एक्चुअली, मैंने टेक क्यों किया था। चलो ठीक है, मैं EXP से इसको प्रोवाइड कर देता हूँ और फर्स्ट मैं लुकारियो को रख देता हूँ। यार ऐसे कैसे काम चलेगा, आई थिंक मैं अगले एपिसोड में लुकारियो को ट्रेन कर दूँ। ओके फिलहाल यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ पे घास है, माइट भी इसमें हमको कुछ मिल जाए। अच्छा एक पोकेमन है, दैट इज़ वेगरॉथ। चल भाई यहाँ पे इस घास में कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमको धोखा मिला। बट क्रैब राउलर, अरे मेरे को क्रैब राउलर से उसका याद आ गया अल्ट्रासन का, क्योंकि वहाँ पे एक मिशन रहता है ना जहाँ पे तुमको क्रैब राउलर पकड़ के देना पड़ता है। ओके फिर से फ्रोजन है, चल भाई हम जीत चुके हैं। ओके नेक्स्ट कौन था, मैंने देखा नहीं। अच्छा ये क्लिफेरी, और आज फिर हम लोग करते हैं स्पेस वेफ्टिव नहीं है यार, अरे शेट मैंने इसको हरा दिया। मैं सोच रहा था अभी उसको ट्रेनिंग देने का, चलो कोई बात नहीं मैं पॉइजन फैंग कर दूँ, पॉइजनड हो गया बेचारा और यहाँ पे फिर से पॉइजनड हो गया। चलो भाई बहुत ही अच्छे, और हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से। अंकल जी, अरे अंकल जी जब मैं पास कर रहा हूँ तभी आप क्यों मुड़ रहे हो। ओके हम लोग फिलहाल स्लीप ऑर्डर कर दे भाई, सो जा। ओके ओके अब हम लोग ली शीट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे। मैं इस पर ये अर्थक्वेक तो कर नहीं सकता क्योंकि ये फ्लाइंग है ना, तो मेरे को ठनक को ले आना चाहिए, ठनक यहाँ पे अच्छा काम कर देगा। ये एक्सपीसर से हमको और फ़ायदा मिल रहा है, बट ये स्पार्क ज़्यादा इफेक्टिव है इस पर। एजिलिटी भाई उसका स्पीड तो बढ़ चुका है, बट स्पाइक्स, अरे यार मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब चेंज करने पर हमको डैमेज पड़ेगा। वोडी सीट सीखना चाहता, नहीं भाई तू मत सीख, वो उतना कुछ खास मूव है नहीं। नेक्स्ट पोकेमॉन प्रोवोपास है ना, थिंक सो मेरे को चेंज करना चाहिए प्रोवोपास के लिए, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन भी है, नहीं रॉक एंड स्टील है शायद से। ओके जो भी है भाई, वाटर पल्स इस पर सुपर एक्टिव है। अरे इलेक्ट्रिक टाइप मूव उसको आते हैं, फिर से वाटर पल्स, अरे थोड़ा सा बच गया सेट, किमजर गया सेट यार, सेट सेट। ओके मेरे को लग रहा था वो हार जाएगा यार, मैं विनासोर को ले आ रहा हूँ। अच्छा भाई विनासोर कर दे तू रेजर लीफ, ये तो गया, नेक्स्ट बुक में इसका है ही नहीं। चलो ठीक है हम लोग आगे चलते हैं, और आई थिंक सो हम गैलेनॉर ओके ऑफकोर्स हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मेट्रो लेके हमको मॉसिडे में पहुँचना पड़ेगा, बट मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो या वो मैं ऑफलाइन में कर लूँगा। फिलहाल अगर आज का वीडियो तुमको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमको और इसी तरह का ऑसम कंटेंट देखना है और इसके अगले एपिसोड्स देखने हैं, एंड कमेंट करके थोड़ा प्यार दिखा देना ताकि जल्दी जल्दी और एपिसोड आ सके। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी जल्दी एपिसोड लाने की। बाय द वे यहाँ तक देखने के लिए अरेगा तो 君の虜になって